Hey friends, my name is Nisha and welcome back to my channel Retro Girl Vlog. So guys, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे. So guys, अभी आप वीडियो में देख सकते हैं आपको कुछ मिट्टी के बर्तन नज़र आ रहे हैं. तो यस गाइज, कुछ दिन पहले जो है मैं गई थी कुम्हार की शॉप्स में और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको जो है मिट्टी के बर्तन के ऑप्शंस मिल जाएंगे. तो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि मैंने यहाँ से क्या परचेस किया. तो अभी चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इमीडिएटली राइट नाउ राइट हियर. सो फ्रेंड्स, ये जो आप अभी देख रहे हैं मिट्टी के बर्तनों की दुकान, ये बेसिकली है किंजुए कैंप जीटीबी नगर में. यस गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी पुराने ज़माने का हुक्का और आप सामने देख सकते हो बर्तन में आप तवा देख सकते हैं एंड काफ़ी टाइप की हांडीज हैं. लाइक अगर आपको बिरयानी बनानी हो तो मिट्टी की अगर आप हांडी ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. और यहाँ पे आप गुल्लक भी देख सकते हैं एंड जो हमारे मटके हैं वो काफ़ी सारी शेप्स में हैं. इवन अब तो टैप के साथ भी आने लगे हैं और डिज़ाइंस आपको बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे. यहाँ आप देख सकते हैं गाइस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिट्टी के बर्तन हैं, सुराही है एंड इवन पानी की बॉटल्स भी हैं अब मार्केट में आ चुकी हैं. सो लुक एट द वैरायटीज गाइस हियर. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रोटी बनाने के तवे के भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड ये कुछ मुझे यहाँ पर यूनिक नजर आया. यहाँ आप देख सकते हैं एक डेकोरेटेड मिट्टी की बॉटल है. यस, इसमें पानी ठंडा रहता है और इसका प्राइस जो था गाइस वो था 350. और यहाँ मैं देख रही हूँ एक अच्छा सा घड़ा, तो मम्मी पूरा जो है इसको चेक करवा रही हैं. तो गाइस, जब भी आप मिट्टी का कोई बर्तन लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो प्लीज़ उसमें पानी से उसको पानी से फिल करा के एक बार चेक जरूर करवाएं सो दैट वो कोई लीक ना हो रहा हो. तो यहाँ आप दूर तक देख सकते हो गाइस काफ़ी सारी शॉप्स हैं. यहाँ पे आपको मिट्टी के दिए भी मिल जाएंगे गाइस. सो लुक एट द वैराइटीज ऑफ मटकाज हियर एंड यहाँ पे आपको मटका रखने के स्टैंड से मिल जाएंगे. और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस मिट्टी की बॉटल है और उसके ऊपर प्लास्टिक का ढक्कन लगाया हुआ है. और गाइस सबसे यूनिक चीज़ ये है कि अगर आप मिट्टी के घड़े में पानी रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ठंडा ही रहता है. तो ये हमारी सुराही है एंड सामने आप देख सकते हैं गाइस काफ़ी सारा सामान है इनके पास. और गाइज़ यहाँ पर जो घड़े हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में एंड डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस में थे. और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे घड़ों का जो रेट है वो स्टार्ट हो रहा था 300 से. तो अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो ये काफ़ी हद तक प्राइस जो है कम भी कर लेते हैं. सो डेफिनेटली यू कैन विजिट हियर इन जीटीबी नगर. तो यहाँ पर एक नहीं आपको 5 से 6 शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पर बहुत सारी वराइटीज़ में खूब सारे मिट्टी के बर्तन हैं. तो आप जो है जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन से ऑटो रिक्शा लेके भी यहाँ तक आ सकते हैं. तो हो फ्रेंड्स, मेरा आज का व्लॉग आपको थोड़ा बहुत यूजफुल लगा होगा. सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा एंड लाइक जरूर कीजिएगा गाइस. गाइस, मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा. जल्दी मिलते हैं मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए तब बाय. टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. माय चैनल में मिल जाता हूँ व्लॉग. बाय बाय, हैप्पी समर टू ऑल ऑफ यू. ये गाइस हमने घड़ा ले लिया और हमने ऑर्डर लिया.